हमनी के रिजल्ट बा दे दिए नीतीश चाचा, हमनी के रिजल्ट बा दे दिए नीतीश चाचा, अनशन पर बैठल बारे बिहार के बच्चा। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, गर्दनी मांग धरना स्थल पे मैं आपको दिखाई भी हूँ कि कैसे डीलर्स लोग का अलग धरना प्रदर्शन हो रहा है और यहाँ पर बीटीएससी जेई के जो कैंडिडेट हैं वो लोग भी धरना दे रहे हैं। इन लोगों का आज आठवां दिन है, पहले भी ये लोग कार्यालय के बाहर धरना दिए थे और इन्हें सांत्वना दिया गया था इनकी मांगों को लेकर, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है उसके कारण से ये गर्दनी बाग धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। आज इनका आठवां दिन है और अभी तक शायद इनकी मांग नहीं सुनी गई है, मांग पत्र नहीं लिया गया है। चलिए विशेष जानकारी हम इन्हीं लोगों से बात करते हैं। क्या है भाई, क्यों इस तरह से पढ़ाई लिखाई सब? मैडम, मैं बहाली आए हुए 3 साल हो गए, लेकिन 3 साल बाद आयोग मेरिट लिस्ट दी थी तो यहाँ पे सारा चयनित छात्र बैठे हैं और सबको डिपार्टमेंट अलॉट भी कर दिया गया था और मेरिट देने के 2 दिन बाद मेरिट साइट से वापस ले लिया गया, मात्र यह कहते हुए कि आवश्यकता हो तो हम संशोधित करके फिर से देंगे, लेकिन 3 महीना से ऊपर हो गया अभी तक संशोधित मेरिट नहीं आया। हाँ, ये तो पता नहीं ऐसा आयोग क्यों की कि मेरिट दे के बोली कि 2 दिन बाद फिर साइट से मेरिट हटा लिया गया कि आवश्यकता हो तो हम संशोधन करेंगे, बट संशोधित मेरिट मेरा आज तक नहीं आया है। 4 तारीख को जब हम लोगों ने धरना किया था तो वहाँ फिर वो कोई प्रोसीडिंग लेटर का बहाना बना रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और अब हम लोग 8 दिन से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं, जब तक आयोग हमारी मांगे नहीं पूरा करेगी, जब तक रिवाइज रिजल्ट नहीं आएगा या फिर अनुशंसा नहीं भेजा जाएगा डिपार्टमेंट को, तब तक हम लोग यहाँ धरना पे बने रहेंगे। यहाँ पर गर्दनी बाग धरना स्थल पर धरना इसलिए दिया जाता है कि यहाँ से फिर मांग पत्र लेकर जाया जाता है, जो आप लिखे डिमांड होते हैं एक शेड्यूल बना हुआ आता है, वहाँ से आते हैं लोक प्रशासन वहाँ से आते हैं और जिनके पास जो मांग रखी जाती है वहाँ तक वो पहुँचाने का काम करते हैं। तो क्या वो अभी प्रक्रिया आप लोगों के साथ हुई है? नहीं नहीं, अभी तक कोई लोग मिलने नहीं आए हैं। कोई भी नहीं आए? खान जी नहीं आए हैं? नहीं नहीं, जो कि हमेशा आते पहुंचते हैं और कहते हैं कि इस तरह के धरना नहीं दीजिए। नहीं नहीं, अभी कोई नहीं पहुंचे धरना स्थल पे, कोई नहीं। क्या आप लोग इधर आके बोलिए, इधर आइए, क्या बोल रहे हैं? वो बिल्डिंग गिराने में बिजी, दिग्गा में नहीं देख रहे मकान टूट रहा है, सो तो गरीबों के मकान तोड़ने में बिजी है, हम लोग के अधिकार के लिए क्यों आएंगे? हाँ, अगर लाठी बरसाने की बात हो तो फिर वो ऐसे कहते हैं ना कि इतना भीड़ तो हम 2 मिनट में खाली करवा देंगे ऐसे, तो हाँ हाँ, तो फिर लाठी चलाने के लिए वो उनको अच्छा से आता है और इसीलिए बिहार सरकार उनकी नियुक्ति भी किया है कि जब कोई अपना हक अधिकार के मांगे, जब कोई अपना हक अधिकार का लड़ाई लड़े तो उसे लाठी डंडे से शांत कर दो, इसीलिए वो लोग हैं। आप लोग की मांग नहीं सुनी जाएगी, क्या कहते हैं? हम लोग का यही मांग है कि मांग तो हम सुन लिए हैं कि जो मांग है, अब मुझे बताइए 8 दिन से आप लोग कर रहे हैं, अभी कब तक आप लोग का ये चलेगा? जब तक ये नहीं सुनी जाएगी हम लोगों की बातों को, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन तो है, ये आज 8वां दिन है, जब तक नहीं सुनी, इसके बाद हम लोग भूख हड़ताल पे जाएंगे अगर नहीं सुनी जाएगी मांग को, तो फिर मतलब वही सारी प्रक्रिया जो एसटीटी और सीटेट वाले किए थे वही सब आप लोग भी कीजिएगा? हम लोग का मुंडन यज्ञ वगैरह सब? नहीं, वो तो नहीं है, हम लोग का थोड़ा मैटर अलग है, हम लोग का रिजल्ट दे के वापस लिया गया है, हम लोग ये नहीं बोले कि फिर से, हम लोग बोल रहे हैं कि रिवाइज रिजल्ट जल्द से जल्द आप मेरा जारी कर दीजिए, क्योंकि आपने डिपार्टमेंट भी दे दिया और 2 दिन के बाद आप फिर से साइड से रिजल्ट को हटा दिए, यह कहते हुए कि हम रिवाइज संशोधन की ज़रूरत होगी तो हम संशोधन करेंगे उसमें, लेकिन आज तक वो संशोधन हुआ ही नहीं है, क्या कर रही है विभाग वो हमको पता नहीं। अभी 3 महीना हो गए, 3 से 3.5 महीना हो गया है इस चीज़ का, लेकिन अभी तक कोई संशोधन नहीं हुआ है। चलिए, तो आपने सुना कि रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद फिर वापस ले लिया गया संशोधन के नाम पे कि अभी कुछ गलतियां हो गई है, थोड़ा संशोधन किया जाएगा, लेकिन संशोधन अभी तक नहीं हुआ है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि गर्दनी बाग धरना स्थल पर इसलिए धरना दिया जाता है, यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर शांतिपूर्ण से धरना दीजिए, जो आपकी मांगे होगी वो हम आपका लेंगे और पहुँचाएंगे। लगातार मैं खान जी का ये खबर आपको दिखाई भी हूँ, जब भी वो आते हैं कहते हैं कि आपके पास ये बैठने का, अच्छा आप लोग के पास धरना पर बैठने का ये है अनुमति है, बाद में वही फिर कहेंगे आकर कि इतने दिन हो गए अनुमति नहीं है, लेकिन मांग पत्र अभी तक इनकी सुनी नहीं गई है, अभी तक सुनी नहीं गई है, इसके बाद ही जब बर्दाश्त की सीमा टूटती है तभी ये लोग फिर सड़क पर उतरते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि अब ये लोग का अभी तो 8वां दिन ही हो रहा है, लेकिन अनिश्चितकालीन धरना ये, अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। चलिए, फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ, धन्यवाद।
हमनी के रिजल्ट बा दे दिए नीतीश चाचा, हमनी के रिजल्ट बा दे दिए नीतीश चाचा, अनशन पर बैठल बारे बिहार के बच्चा। हमनी के रिजल्ट बा दे दिए नीतीश चाचा, अनशन पर बैठल बारे बिहार के बच्चा। बीटीएससी के गम सहब नहीं हम, ए नीतीश जाचा कुछ हमनी कर जाइब, रिजल्ट ना देबू तो जहर खा के मर जाइब। ए नीतीश जाचा कुछ हमनी कर जाइब, रिजल्ट ना देबू तो जहर खा के मर जाइब। हाँ मान जाएंगे, ये दर्द भरा है ना, दर्द भरा है, और हम लोगों के आंतरिक में जो बीत रहा है, हम लोग का जो दर्द पैदा हो रहा है, किसी के साथ अगर ऐसा हो, अगर खाना परोस के दे दिया जाए, आगों से सीधा खींच के समंदर में धकेल दिया जाए, तो ऐसा निकलेगा, इस तरह का दर्द भरी आवाज़ हम लोगों के दिल से निकलेगा, और किसी के भी दिल से निकल सकता है इस तरह का आवाज़। इसलिए हम अपने गाना के माध्यम से इस चीज़ को पहुँचाना चाहते हैं मैडम। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।